नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जलेबी की हुई है। इसके बाद जब बीजेपी ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की तो हरियाणा बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भिजवाई गई है। दरअसल राहुल गांधी ने गोहाना रैली के दौरान एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी के बारे में जो टिप्पणी की थी वो वायरल हो गई थी। चुनाव के नतीजों से पहले ही सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड कर रही थी। दरअसल दोनों दलों के नेता जलेबी को लेकर वार पलटवार कर रहे थे। हालांकि रिजल्ट के बाद बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को जलेबी भिजवा दी गई। बीजेपी हरियाणा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के लिए उनके घर पर बीकानेर वाले की 1 किलो जलेबी भिजवा दी गई है। राहुल गांधी ने गोहाना में एक रैली में कहा था कि मैंने गाड़ी में जलेबी चखी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज भेजा कि आज मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है, मैं तुम्हारे लिए भी जलेबी का एक डिब्बा ला रहा हूं। फिर मैंने दीपेंद्र जी और बजरंग पुनिया से कहा कि ये जलेबी हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जानी चाहिए। अगर ये जलेबी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाए। राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा था। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस की जलेबी को झूठ की जलेबी बताया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वादे करके ये लोग आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर मुख्यमंत्री सैनी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को किसी ने तवज्जो भी नहीं दी, उन्हें किसी ने जलेबियों का एक डिब्बा गाड़ी में पकड़ा दिया तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि यहां इतनी बड़ी जलेबी भी बनती है। इस पर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको जलेबी भिजवाएंगे। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी को इस बार 48 सीटों पर जीत मिली है जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर ही जीत सकी। इस चुनाव में जनता ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही पूरी तरह नकार दिया। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोक दल का इस बार ठीक प्रदर्शन रहा। हालांकि एलनाबाद सीट से अभय चौटाला की हार हुई। राज्य में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जीत हुई है। इनमें हिसार से सावित्री जिंदल, गन्नौर से देवेंद्र काध्यान और बहादुरगढ़ से राजेश जून की जीत हुई है।